न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रश्मि। और बिहार की पल पल बदलती राजनीतिक घटनाक्रम के बीच सिर्फ बिहारवासी ही नहीं बल्कि देश की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर अगले 3 से 4 घंटे में क्या होने वाला है। इस वक्त राजनीतिक परिस्थितियों को अगर समझा जाए तो आरजेडी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि जेडीयू के कई ऐसे विधायक है जो हमारे संपर्क में है। वही दूसरी तरफ जितिन राम मांझी को कहीं ना कहीं मनाने की कोशिश की जा रही है कि मांझी हमसे दूर न चले जाए, चाहे वो आरजेडी हो या फिर बीजेपी हो। बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी ने भी जितन राम मांझी से जाकर मुलाकात की, लगभग 10 मिनट तक ये बातचीत हुई है। इससे पहले नित्यानंद राय ने भी जितन राम मांझी से मुलाकात की, लेकिन संभावना कई तरह की है। कहा यह भी जा रहा है कि अब आरजेडी किसी दलित चेहरे को सामने कर सकती है और मुख्यमंत्री बना सकती है। हम लोग की तो इच्छा है कोई दलित चेहरा हो, कि बिहार में कोई दलित चेहरा बने। माननीय मुख्यमंत्री जी इतना बार रहे, किसी दलित को मुख्यमंत्री बना देते तो बिहार का उत्थान होता, उसमें जीताराम होता, मतलब कम से कम हर साल सरकार नहीं बनती। जीताराम मांझी भी हो सकता है और आप भी दलित चेहरा में सबसे ऊपर कोई हो सकता है। जब दलित की बात है तो कोई हो सकता है। तो देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है, लेकिन आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। ये भी चर्चा हो रही है कि आज या फिर अगले कुछ घंटे में नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा बदलाव होगा और बिहार में एक बार फिर से नई सरकार आएगी। अब ये सरकार किसकी होगी ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इससे पहले दावे कई तरह के कि जेडीयू के नेता हमारे संपर्क में है, आरजेडी की तरफ से अब खुलकर आरोप लगाए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि ये वही नीतीश कुमार है जिन्होंने कहा था कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे। लेकिन आखिर अब ऐसा क्या हुआ कि ये नाराजगी और क्यों आखिर वो आरजेडी को छोड़कर बीजेपी में जाना चाहते हैं? हम जो बात बोल रहे हैं सीधी बात, क्या आखिर भाजपा को क्या मजबूरी है कि वो नीतीश कुमार जी के पास नतमस्तक होगी? क्या वो बुरी तरह वो यहाँ पे जान रहे हैं? क्या उनके पास फीडबैक है? क्या इंटेलिजेंस का रिपोर्ट है कि आखिर वो नीतीश कुमार जी को साथ लेंगे? नीतीश कुमार जी क्यों जाएंगे? इतनी अच्छी सरकार चल रही है, बिहार की जनता से उन्होंने वादा किया है, मरना पसंद करेंगे, मिट्टी में मिल जाना पसंद करेंगे, कभी भी हम इन लोगों के साथ नहीं जाएंगे, उन्मादी शक्तियों के साथ, सांप्रदायिक शक्तियों के साथ। तो क्या बिहार की जनता के साथ वो धोखा कर सकते हैं? तो देखिए, कई तरह के सवाल हैं और इसका जवाब बिहारवासी भी जानना चाहते हैं। और कशिश न्यूज लगातार पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचा रहा है। आप देखते रहिए कशिश न्यूज और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म को फॉलो कर लीजिए ताकि अपडेट आप रह सके तमाम राजनीतिक घटनाक्रम से। नमस्कार।